हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मसाले के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप इस छोटे से चम्मच से अगर अपनी चाय में मिला देते हो, आपकी चाय का जो टेस्ट है वो ऐसा हो जाएगा, जो एक बार पिएगा वो बार बार आपके पास आएगा। सो बेसिकली अगर मैं इस वीडियो की ब्रेकअप की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको मसाला दिखाने वाला हूं, खोलकर दिखाऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा सेकंड पार्ट में कि मेकिंग किस तरीके से करनी है, कितना मसाला ऐड करना है आपको चाय में, और लास्ट में हम वीडियो के बात करने वाले हैं कि ये मसाला आपको कितने का पड़ने वाला है और एक मसाले के पैकेट से, एक किलो के पैकेट से आप कितनी चाय बना सकते हैं, कितने कप चाय बना सकते हैं और एक कप में मसाले की क्या कॉस्टिंग आपको आने वाली है। एक तरीके से इस वीडियो में आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैं यहां पर आपको बता दूं, ये जो मैं मसाला आज आपको दिखाने वाला हूं ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं और इसीलिए उनका टेस्ट ऐसा होता है जो हम घर वाली चाय में नहीं लेकर आ पाते। और आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार जो मैं बाहर चाय पीता हूं वो इतनी अलग क्यों होती है, इतनी क्रीमी क्यों होती है, इतना अच्छा टेस्ट उसका क्यों आ रहा होता है, और घर में अगर हम चाय बनाते हैं सो कभी कभार हमारी चाय इतनी परफेक्ट नहीं बन पाती। सो आज मैं आपको ऐसा ही मसाला दिखाऊंगा जो ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करके अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज बना चुके हैं, बट यहां पर मैं आपको कोई फ्रेंचाइजी लेने के लिए नहीं बोलूंगा। एक छोटी सी चाय के लिए कोई फ्रेंचाइजी लेने की अल्टीमेटली आपको जरूरत नहीं है, बट अगर आपको यह पता है कि आपको मसाले कौन से यूज करने हैं, चाय पत्ती कौन सी यूज करनी है, कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है, सो बिना फ्रेंचाइजी के भी आप आराम से अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के वो आप अंत तक देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा। चलते हैं सीधा आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले मैं आपको मसाला दिखा देता हूं और साथ ही मैं आपको दो किट्स भी दिखाने वाला हूं जिनको आप एक लीटर दूध में सीधा ऐड करेंगे और आपकी चाय बन जाएगी। बहुत सारे भाइयों का ये क्वेश्चन होता है कि भैया एक्चुअल प्रोसेस नहीं पता, हर बार चाय का टेस्ट सेम नहीं आता, मैं क्या करूं, ऐसे कौन सा प्रोसेस बिल्ड करूं जिसकी वजह से मैं अगर शॉप पे ना हूं तो कोई भी चाय को बना पाए। सो जो दो किट मैं आपको दिखाने वाला हूं वो किट डायरेक्टली आप कंपनी से खरीद लो, अपने स्टाफ को बता दो कि एक लीटर दूध में ये बस किट को डालना है, उसमें चाय, चीनी, चाय पत्ती, मसाला सब कुछ ऐड है, 8 से 10 मिनट आपको चाय को बॉईल करना और आपकी चाय बन जाएगी, हर बार सेम टेस्ट आएगा, तो ये प्रॉब्लम भी आपके सॉल्व हो जाएगी। सो फटाफट आगे बात करें, उससे पहले हम पहले किट देख लेते हैं, सैंपल देख लेते हैं, मसाला देख लेते हैं, फिर प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके का कुछ मसाला है। अब मसाला मैं आपको इसमें ओपन करके दिखाऊंगा ताकि आप इजीली देख पाए और आपको आइडिया मिल पाए, ऑर्डर करने से पहले ही आप सारा कुछ समझ पाए। सो इस तरीके से कुछ फ्लेवर्स हैं, आर्यंस, अमृतुल्य, बॉम्बे चाय, और इस यहां पर 7 मसाले आपको मिल जाते हैं, ईरानी चाय मसाला, जिंजर इलायची चाय मसाला, जिंजर चाय मसाला, पान चाय मसाला, रेगुलर चाय मसाला, इलायची चाय मसाला और बॉम्बे चाय मसाला। सो ये 7 फ्लेवर है। अब सबसे पहले मैं आपको इलायची मसाला ओपन करके दिखाता हूं या पान मसाला ओपन करके दिखाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे मसाले इनके एक नंबर के हैं, बेहतरीन टेस्ट आपको इनसे देखने को मिलेगा आपकी चाय का। अब ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, ये पूरा पान का एकदम एक्चुअल फ्लेवर है। अब यहां पर मैं आपको ये मसाला दिखाता हूं, मैं थोड़ा ही निकालता हूं ताकि मैं आपको दूसरा फ्लेवर भी दिखा सकूं। सो ये आप देखो, ये कोई ऐसा पाउडर नहीं है जो केमिकल्स और एडिटिव्स और आर्टिफिशियल एसेंस से मिलाकर बनाया गया हो। अब इसको ओपन करने के बाद मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और आप ये फ्लेवर से देखकर समझ गए होंगे। मैं इतना पास से आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ना एक्चुअल में इसकी क्वालिटी को समझ पाए, और मैंने यूज करा है मेरे को इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बता पा रहा हूं कि ये मसाले बेहतरीन है। और मैंने जब कंपनी से बात करी तो मेरे को ये भी बहुत सारे कंपनीज के नाम भी पता चले कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इस कंपनी के इन फ्लेवर्स को यूज कर रहे हैं। अब फटाक से मैं इसको वापस से पान मसाले को इसमें डालता हूं और फिर आपको इलायची वाला दिखाता हूं। सो ये कुछ मसाला था, आपको आइडिया मिला होगा इससे, इसमें रोज की पंखुड़ियां और भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो एक्चुअल में पान बनाने में यूज होते हैं, पान के पत्ते, बहुत कुछ इसमें ऐड है। सो इसको हम करते हैं साइड में और बाकी चीजें आपको दिखाता हूं। अब हम इसको ओपन करते हैं इलायची वाले फ्लेवर को, और उसके बाद मैं आपको ये फ्लेवर दिखाता हूं, फिर मैं आगे आपको ये दो किट्स के बारे में बताऊंगा जो कि गुड़ वाली चाय और चीनी वाली चाय बनाने का एक्चुअल में कंप्लीट प्रोसेस आपको मिलता है। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको ऐड करना है एक लीटर दूध में और आपकी चाय रेडी हो जाती है। अब ये देख लो भाई, ये है इलायची का फ्लेवर। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, तो ये है इलायची का फ्लेवर, और यहां पर आप देख लो, नेचुरली एक्चुअल इलायची को यूज करके ये फ्लेवर को बनाया गया है, ये नहीं कोई पाउडर। भाई साहब, मैंने क्योंकि मैं पाउडर बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले कंपनी से फ्लेवर ऑर्डर करे, बकवास फ्लेवर थे, पाउडर में उन्होंने पता नहीं क्या आर्टिफिशियल एसेंस वगैरह मिला रखा था जिससे खुशबू तो आ रही थी लेकिन वो बनाने के बचाए मेरे को बहुत मतलब गंदा फीलिंग, ऐसे पेट में हल्का दर्द, तो इस तरीके हो गया था। तो ये आप देख लो, इस तरीके का फ्लेवर है। उसके बाद हम ये सारे फ्लेवर देखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा
अब इसको मैं इसमें डाल लेता हूं और आपको बताता हूं बाकी फ्लेवर्स के बारे में। तो इस तरीके के ये सारे फ्लेवर हैं, सारे अच्छे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके बने हुए हैं। आप ऑर्डर करके इनको ट्राई कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली चाय बनाकर मजा आ जाएगा पीने में। अब इनको मैं करता हूं थोड़ा सा साइड में और इन दो किट को ले आता हूं सामने। अब इसके प्राइस के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा चम्मच है, इससे आप इस पाउडर को मिला सकते हैं या चुटकी भर आपको ये पाउडर यूज करना है। सो आप किसी भी चम्मच से मिला सकते हैं, अगर आपके पास दूसरा बड़ा चम्मच है उसकी बैक साइड से भी मिला सकते हो। अब मैं बात करता हूं इन फ्लेवर्स की। देखो ये 1 kg की गुड़ की चाय की किट है और ये 1 kg की शुगर चाय की किट है। अब इसमें ये एक ऐसे किट है जिसमें चीनी, चाय पत्ती और मसाला तीनों चीजें ऐड है। मैं इसको ओपन करता हूं, हालांकि मैं इस किट को ओपन कर चुका हूं। तो ये कुछ फ्लेवर है गुड़ की चाय के और ये है। तो ये तो बेसिकली ये मसाला है, ये इनका रिटेल पैकेजिंग है ये वाली, जिसको आप आर्यंस की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें, अपने घर के लिए यूज करना चाहें, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इन फ्लेवर्स को इस पैकेजिंग में ले सकते हैं। बट अगर आप होलसेल में लेना चाहते हैं तो इस तरीके के पैकेजिंग में आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें सिर्फ मसाला है, सो ये 8 ग्राम के आसपास है। इसके अलावा इसमें आपकी गुड़ की चाय है, जिसमें चाय पत्ती, गुड़ और मसाला तीनों चीजें ऐड है। बस आपको ये 1 लीटर दूध में मिलाना है और 250 ml उसमें पानी मिलाने के बाद आपको कंप्लीट प्रोसेस जो फॉलो में आगे आपको बताऊंगा वो फॉलो करना, और आपकी चाय गुड़ वाली बन जाएगी। कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं है। और ये किसी भी फ्लेवर में आप ले सकते हैं, चाहे तो आप इलायची में ले सकते हैं, ईरानी चाय में ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी मैंने जो 7 फ्लेवर दिखाए उन 7 में से आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, तो उसमें आपको वही फ्लेवर बन जाएगा, आपको बस ऐड करना है। इसके अलावा यहां पर आ गई ये प्लेन CTC चाय, जो कि आप अगर चाय पत्ती भी इनसे ऑर्डर करना चाहते हैं खाली चाय पत्ती, सो वो मैं बता दूं आपको 275 rupees पर kg के हिसाब से खाली चाय पत्ती मिल जाएगी। सो ये पूरी किट है, ये इस किट में सारी चीजें ऐड है। अगर आप चाहो तो ये ले लो, ताकि आपका जो स्टाफ है या आपके एब्सेंस में भी कोई भी 1 लीटर चाय बिना किसी परेशानी के बना पाए। अब इसको करता हूं मैं साइड में। और ये सेम चीज है यहां पर शुगर चाय में भी, ऐसे ही 3 packets आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यहां पर सेम अगेन ये मसाला आ जाता है, जो कि आप अलग अलग फ्लेवर का ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपका आ जाता है ये चीनी के साथ में। कुछ लोग गुड़ की चाय पीना पसंद करते हैं तो उनके लिए गुड़ वाली किट है, जिसमें वो 7 फ्लेवर में मिल जाएगी। इसके अलावा ये चीनी के साथ है, जिसमें चीनी, चाय पत्ती और मसाला तीनों चीजें ऐड है। 1 लीटर दूध में 250 ml पानी मिलाने के बाद आपको उसको 8 से 10 मिनट बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो फॉलो करना और आपकी चाय बन जाएगी। अब इसको साइड करते हैं और यहां पर आ जाती है अगेन वही चाय पत्ती, प्लेन चाय पत्ती, जो कि आप फिर से इनसे ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि 275 rupees पर केजी के हिसाब से मिलेगी। तो दोस्तों फ्लेवर्स आपने देख लिए, अब मैं बात करता हूं इन फ्लेवर से चाय को बनाना कैसे है, एक्चुअल में सही प्रोसेस क्या है। सो ये जो मसाले हैं इनको आपको चाय बनाते टाइम सिर्फ 0.5 ग्राम ऐड करना है 100 से 120 ml चाय बनाने के लिए। सो यूजुअली अगर आप कहीं पर चाय बनाते हैं तो आप 100 ml क्या ही बनाएंगे, आप हम मान के चलते हैं आप 1 लीटर चाय बना रहे हैं। सो 1 लीटर चाय बनाने के लिए आपको 1 लीटर दूध में 250 ml पानी ऐड करना है और उसको बॉइल करने के लिए रखना है। जैसे ही वो बॉइलिंग स्टेज पर आता है आपको उसमें चाय पत्ती ऐड कर देनी है। आप चाय पत्ती कोई भी ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप आर्यन से भी ले सकते हो, यहां पर 275 rupees पर केजी के हिसाब से आपको चाय पत्ती मिल जाएगी। अब चाय पत्ती आपने ऐड कर दी, चाय पत्ती ऐड करने के बाद आपको 6 मिनट तक चाय को बॉईल करना है। जैसे 6 मिनट तक चाय आपकी बॉईल हो जाती है उसके बाद आपको उसमें शुगर ऐड करनी है। आप शुगर पहले भी ऐड कर सकते हो और शुगर ऐड करने के बाद आपको 2 मिनट तक चाय को बॉईल करना है। अगर आप चाय पत्ती ऐड करने के बाद शुगर को ऐड कर रहे हो तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपकी शुगर सल्फर फ्री होनी चाहिए, क्योंकि सल्फर वाली शुगर जब हम यूज करते हैं सो आपकी चाय पतली हो जाती है अगर आप उसको लास्ट में मिलाते हैं। सो अगर आप सल्फर फ्री शुगर यूज करें, क्योंकि आर्यंस जो किट आपको देता है या जो शुगर प्रोवाइड करता है वो सल्फर फ्री होती है, सो आप यहां पर चाय पत्ती ऐड करने के बाद 6 मिनट तक चाय को बॉईल करने के बाद चीनी को मिलाएंगे। चीनी मिलाने के बाद आपको 2 मिनट तक चाय को और बॉईल करना है और उसके बाद आपको मिलाना है ये मसाला। तो अगर आप 1 लीटर चाय बना रहे हो तो आपको 5 ग्राम के आसपास ये मसाला मिलाना है और उसके बाद अगेन 2 से 2.5 मिनट तक आपको चाय को बॉईल करना है, उसका स्टेयर करना है और यू आर गुड टू गो। आपको बस सर्व करना है और फिर आपके क्लाइंट्स का रिव्यू लेना है, आपके कस्टमर्स का रिव्यू लेना है, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो चाय वो पियेंगे उनको एक क्रीमी एंड बहुत स्ट्रांग अच्छा फ्लेवर देखने को मिलेगा, जो कि एक सही इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बने हुए फ्लेवर है। सो मैं आपको बस ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कोई भी ऐसा फ्लेवर, ऐसा मसाला यूज मत करो जिसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, एसेंस और बहुत सारे एडिटिव्स मिले हों, जिसकी वजह से आपके कस्टमर को बाद में कोई प्रॉब्लम आए। सो इस तरीके के अच्छे फ्लेवर्स यूज करो और मैंने इनको ट्राई किया है, मैं आपको
ये कह सकता हूं कि इनको पीने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। अगर मैं बात करूं किट्स की, जो मैंने आपको किट दिखाई है, उसमें जो 1 kg वाली किट है, आपको बस 1 kg दूध में 250 ml पानी मिलाना है और उस किट को ऐड कर देना है, और उसके बाद अगेन उसको थोड़ा सा बॉइल करना है, 6 से 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट तक आप बॉइल करेंगे, और उसके बाद चाय को छानना है। आपकी जैगरी टी या फिर आपकी शुगर टी रेडी हो जाएगी, उसमें चीनी, चाय पत्ती, मसाला तीनों चीजें ऐड है। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप बल्क में चाय को बनाते हो, ज्यादा क्वांटिटी में चाय को बनाते हो, तो आपका ये मसाला और कम लगने वाला है, और इस 1 kg के मसाले से आप 2000 से 2500 कप बना सकते हो 100 से 120 ml के। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, ये जो 1 kg के पैकेट्स हैं, इनसे बहुत ज्यादा कप बनने वाले हैं, बहुत कुल्लर्स बनने वाले हैं 100 से 120 ml के। मतलब 2000 से 2500 एक बहुत बड़ा नंबर है, इतने कप आप इससे बना पाएंगे। सो अब हम वीडियो में आगे बढ़कर बात करते हैं इनके प्राइसिंग के बारे में, और क्या ये फ्लेवर, ये मसाले यूज करना आपके लिए बेनिफिशियल है, और पर कुल्लर कॉस्ट आपकी क्या आने वाली है इन मसालों को यूज करने के बाद। तो चलते हैं फटाफट आगे और इस पर बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। इसमें रेगुलर चाय का जो मसाला है, इसका प्राइस है 1200 रुपए पर किलो। जो पान चाय का मसाला है वो है 1800 रुपए पर किलो। इसके अलावा जो इलायची चाय का मसाला है वो है 3500 का। जिंजर की जो चाय है उसका मसाला है 1100 रुपए का। जिंजर इलायची चाय मसाला है 1900 का। बॉम्बे चाय मसाला है 1900 का। और ईरानी चाय मसाला है 1900 का। अब अगर आपको लग रहा है कि ये मसाले का प्राइस बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जब मैं आपको पर कुल्लर का प्राइस बताऊंगा, पर कुल्लर में क्या कॉस्टिंग आने वाली है वो बताऊंगा, सो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि मेरे को भी पहली बार लगा कि यार ये कहीं ज्यादा तो नहीं है, फिर मैंने पूरी कैलकुलेशन करी और उसके बाद अल्टीमेटली मैं रिजल्ट पे पहुंचा कि ये लेना बिल्कुल सही है उन लोगों के लिए जो इधर उधर के फालतू के फ्लेवर्स यूज कर रहे हैं, जिनसे एक्चुअल में टेस्ट नहीं आ पाता प्रॉपर। तो जो ये नेचुरली है ना, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके जो मसाला बना है, इससे लाजवाब टेस्ट आएगा। आप जब ऑर्डर करेंगे सैंपल, आप बनाकर देखना और कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको किस तरीके का लगा। अब मैं बात करता हूं, ये 1 kg में 2000 से 2500 कप बनेंगे, जिसमें 0.5 ग्राम आपका यूज होगा 100 से 120 ml चाय को बनाने में। अगर मैं बात करूं इसके सैंपल पैकेट्स की, तो ये जो सातों फ्लेवर मैंने आपको दिखाए हैं, इनका जो सैंपल किट है उसमें 10 ग्राम ये सारे सातों फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, उन 10 ग्राम से आप 40 कप के आसपास चाय बना सकते हैं हर एक फ्लेवर से। और बात करें इसके सैंपल किट के प्राइस की, तो वो आपको 500 रुपए की पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1 लीटर की, जो मैंने किट्स आपको दिखाई है, चाहे वो जैगरी टी हो, चाहे वो शुगर की किट हो, शुगर चाय वाली किट, सो वो आपको बता चुका हूं मैं सब कुछ उसमें ऐड है। सो अगर वो गुड़ वाली चाय की किट आप लेते हैं, तो वो आपको कॉस्ट करेगी 65 रुपीज, जिसमें एक कप की जो कॉस्टिंग आपकी आने वाली है वो 3.5 से 4 या मैक्सिमम 5 रुपए के आसपास आएगी। अलग अलग जगह में दूध का प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकता है। सो जो गुड़ वाली चाय है उसका प्राइस आपको 5 रुपए पर कुल्लड़ के आसपास पड़ेगा। मतलब मसाले का, इस फ्लेवरिंग का बता रहा हूं, जिसमें चीनी, चाय पत्ती और मसाले का प्राइस है, दूध का प्राइस अलग है। सो अगर आप कहीं पर 15 रुपए की चाय बेचते हैं, तो आप आराम के साथ में इस फ्लेवर को यूज करो, इस मसाले को यूज करो, आपको मजा आ जाएगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं है। इसके अलावा आप अगर 10 रुपए की भी बेचना चाहते हैं, तो आप अपनी कॉस्टिंग और जोड़ लेना, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग मैंने आपको बताई है जो गुड़ की चाय की, इसमें गुड़ का, चाय पत्ती का और मसाले का प्राइस है। मतलब आप समझिए कॉम्बो पैक है, बाकी दूध का, गैस का और लेबर कॉस्ट अलग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक बार चेक जरूर कर लेना, बट फिर भी ऑन एन एवरेज अगर आप 15 रुपए की चाय बेचते हैं, तो आपको आराम से इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1 लीटर जो चाय की किट मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें चीनी, चाय पत्ती और मसाला ऐड था, वो आपको पड़ेगी 55 रुपए के आसपास, जिसमें एक कुल्लड़ का प्राइस 100 से 120 ml का आपको 3.5 से 4 रुपए के आसपास आएगा, या मैक्सिमम 4.5 रुपए तक आएगा। सो उसके बाद आप देख लो कि आपको, आप अपने एरिया में कितने की चाय बेचते हो, आपके लिए सही है या नहीं। फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन कर लेना अपनी एरिया के हिसाब से। अगर मैं बात करूं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की, तो आप सैंपल किट ऑर्डर करने के बाद अगर आपको पसंद आती है, तो आप जो मसाला है उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2 kg के आसपास है, आप 2 kg के आसपास ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इन किट्स की, जो कि गुड़ वाली और चीनी वाली जो किट है, इसको आप 10 किट्स के आसपास आप मिनिमम ऑर्डर कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सैंपल किट ऑर्डर करने के लिए आप डायरेक्टली कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।